भिवानी जिला के लिए बड़ी राहत की खबर है। यहाँ डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई है, जिसके चलते कोरोना पॉजिटिव दोनों लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। एक को 4 दिन पहले और दूसरे को आज डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है। साथ ही सीएमओ ने कहा है कि यह खुशी की बात है, लापरवाही की नहीं, क्योंकि दूसरे जिलों व प्रदेशों में कोरोना के कई केस हैं। ऐसे में लॉकडाउन व नियमों की पालना करना जरूरी है। आपको बता दें कि भिवानी में 2 अप्रैल को मोनहेरू गांव में निजामुद्दीन और संडवा गांव में अब्दुल्ला जमात से आए थे और उनके सैंपल की रिपोर्ट 3 अप्रैल को पॉजिटिव आ गई थी। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग के साथ आमजन में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में इन दोनों लोगों को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज शुरू कर दिया गया था। साथ ही इनके परिजनों को संपर्क में आए पड़ोसियों के भी सैंपल जांच के लिए भेजे और दोनों के गांव को सील कर दिया गया था। इसके बाद इनके संपर्क वाले सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। चिकित्सकों ने कोरोना के इन दोनों पॉजिटिव लोगों का उपचार चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन में उपचार शुरू किया। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आज 4 दिन पहले अब्दुल्ला को और आज इसी प्रकार से निजामुद्दीन को चिकित्सकों ने फूल देकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर उनके घर 14 दिन क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। दोनों पॉजिटिव लोगों के ठीक होने के बाद भिवानी जिला कोरोना फ्री हो चुका है, जो बड़ी राहत की बात है। सीएमओ जितेंद्र कादियान ने बताया कि कोरोना के दोनों केस ठीक होने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी राहत तो खुशी की बात है, साथ ही उन्होंने कहा कि जिला कोरोना फ्री होना खुशी की बात है, लेकिन लापरवाही की नहीं। उन्होंने कहा कि आज भी देश के कई जिलों में कोरोना के बहुत से केस है, ऐसे में ये मानकर हमारा जिला कोरोना फ्री है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। सीएमओ ने कहा कि लॉकडाउन के साथ स्वास्थ्य विभाग व सरकार के निर्देशों की पालना करना जरूरी है, नहीं तो छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। प्रशासन, हेल्थ विभाग और सरकार के हर हमारे जो हेल्थ की टीम है, उनके सहयोग से हमारे दो पॉजिटिव थे, दोनों अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। निजामुद्दीन का भी जो सेकंड सैंपल था वो आ चुका, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो प्रोटोकॉल और नियम के हिसाब से अब इसको 14 दिन के लिए घर पे क्वारंटाइन करेंगे, हमारी टीम उसको डेली मॉनिटर करेगी। तो आज के दिन सिचुएशन देखते हुए भिवानी में कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है। सर, भिवानी में कितने क्वारंटाइन पे हैं, जिस प्रकार से 8 सेंटर भिवानी में क्वारंटाइन पे थे 18 पेशेंट, उनके भी जैसे लोहानी में, अब उनको भी आज शायद छुट्टी कर देंगे क्योंकि उनका भी टाइम पूरा हो चुका है हमारा। तो सिचुएशन ओवरऑल देखो तो भिवानी की आप सबके सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से ठीक चल रही है अभी हमारी। सर, लोग ये सोचे कि अब कोई पॉजिटिव नहीं है तो कोई लापरवाही नहीं बरते, तो क्या? नहीं नहीं, अभी इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान रखना है। अभी तो सरकार की वजह से गए, लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया, अभी प्रिकॉशन से हमने जो चल रही है वैसे की वैसे रखनी है। इसमें कोई ढिलाई किसी भी तरीके की हुई तो सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है, क्योंकि और जो स्टेट हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे जिसमें केसेस आए जा रहे हैं, तो इस मान के कि ये भाई हम बिल्कुल ही ठीक हो गए, सारी चीजें ऐसे होगी, ऐसा अभी नहीं करना है। जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो प्रशासन जारी करता है, जो निर्देश या फिर स्वास्थ्य विभाग, उसका भी पब्लिक को पालन करना है। और इसी तरीके से जैसे पीछे धैर्य बनाए रखा है, इसी तरीके से धैर्य बना के रखना है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.